हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास 7 विच सब्जेक्ट पंजाबी दा लेसन नंबर 2 सेकंड लेसन है, क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 करवान जा रही हूं। तुसी पहला इस दे क्वेश्चन आंसर फिलअप कर चुके हो, शब्द अर्थ भी कर चुके हो। इस पार्ट का नाम है आलिया दी राखी। आलिया दी राखी लेसन विच अपा हैरी बारे पढ़े है कि किस तरह उसने आलिया दी राखी की थी। उसने अपने ताया जी कह के रुखां नूं वड्ढन तों रोक के आलिया दी राखी की थी। ओह पहला टीवी नाल चिपड़िया रहिंदा सी, पर अपने मामा जी दे कहण ते बाग विच घूमण गया ते उत्थे उस नूं आनंद आण लगा। हुण असीं क्वेश्चन आंसर करांगे। प्रश्न नंबर 3 दा पूरा भाग, इस कहानी अनुसार भागां वाला कौन हुंदा है? प्रश्न की है, इस कहानी अनुसार यानी आलिया दी राखी कहानी अनुसार भागां वाला कौन हुंदा है? इस कहानी अनुसार भागां वाला ओह हुंदा है जिस कोल कुदरती सरमाया होवे। उत्तर की है, इस कहानी अनुसार भागा वाला ओह हुंदा है जिस कोल कुदरती सरमाया होवे। प्रश्न नंबर 2 पहला भाग, कुदरत दे नेड़े रहन नाल किस नूं बल मिलदा है? उत्तर की है, कुदरत दे नेड़े रहन नाल तन मन ते बुद्धि नूं बल मिलदा है। प्रश्न नंबर 8, हैरी ने अपने मामा जी की केड़ी गल मान ली? हैरी ने अपने मामा जी की केड़ी गल मान ली? उत्तर है, हैरी ने अपने मामा जी की टीवी देखना छड़ के कुदरत दी गोती दा निक मानन दी गल मान ली। प्रश्न नंबर 7, बच्चे क्यों दुखी होए? बच्चे क्यों दुखी होए? उत्तर, दरख्त बड हुंदे देख के बच्चे दुखी होए, यानी दरख्तां नूं वड्डे हुए देख के बच्चे दुखी होए सी क्योंकि अल टुट जाने सी, सारे पंछी बेघर हो जाने सी, इसलिए दुखी सन। फिर वापस तौर पर करूंगी। प्रश्न नंबर 3 दा उड़ा बाद, इस कहानी अनुसार भागा वाला कौन हुंदा है? इस कहानी अनुसार भागा वाला कौन हुंदा है? उत्तर, इस कहानी अनुसार भागा वाला ओह हुंदा है जिस कोल कुदरती सरमाया होवे। प्रश्न नंबर 8, कुदरत दे नेड़े रहन नाल किस नूं बल मिलदा है? कुदरत दे नेड़े रहन नाल किस नूं बल मिलदा है? उत्तर है, कुदरत दे नेड़े रहन नाल तन मन ते बुद्धि नूं बल मिलदा है। प्रश्न नंबर 9, हैरी ने अपने मामा जी दी केड़ी गल मान ली? हैरी ने अपने मामा जी दी केड़ी गल मान ली? उत्तर, हैरी ने अपने मामा जी दी टीवी देखना छड़ के, टीवी देखना छड़ के कुदरत दी गोदी दा निक मानन दी गल मान ली। प्रश्न नंबर 7, बच्चे क्यों दुखी हुए? उत्तर है इसका, दरख्त वड हुंदे देख के बच्चे दुखी होए। अगे सर हाहा लगा प्रश्न करवाऊंगी। तो आगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाहा लगा क्वेश्चन, हैरी ने आलिया दी राखी किवें कीती? हैरी ने आलिया दी राखी किवें कीती? उत्तर, हैरी ने अपने पिता जी ते ताया जी नूं कह के दरख्तां नूं वड्ड
ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਘੋੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਆਲ੍ਹਣਾ, ਆਲ੍ਹਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ? ਘੋਂਸਲਾ। ਐੜਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਏੜੀ ਜੰਗਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਸਾਂ ਪੰਛੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਕਸ਼ੀ। ਹਾਹਾ ਉੱਟਣਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੋਦਣਾ। ਕੱਕਾ ਕੁਹਾੜੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲਹਾੜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਹਾ ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹਾਹਾ ਹੈਰੀ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਹੈਰੀ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਉੱਤਰ, ਹੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਇਸਕੋ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਕੂੜਾ ਆਲ੍ਹਣਾ, ਇਹਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਘੋਂਸਲਾ। ਐੜਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਏੜੀ ਜੰਗਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਪੰਛੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਕਸ਼ੀ। ਹਾਹਾ ਉੱਡਣਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੋਦਣਾ। ਕੱਕਾ ਕੁਹਾੜੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲਹਾੜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ